हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, राज्य कर्मचारी या आप किसी भी स्टेट के कर्मचारी हों, आपके लिए अब से हम जो है डेली एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिस वीडियो में आपको सारे अपडेट होंगे उस दिन के, चाहे वो कर्मचारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशनर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली पेंशनर से रिलेटेड हो। कल मैंने एक पोल किया था जिसमें बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों और कर्मचारियों ने उस पोल पे कमेंट करके 95% लोगों ने ये बोला था कि सर आप एक ऐसा बुलेटिन लेकर आइए जिसमें हम सिर्फ एक वीडियो में ही सारे दिन के अपडेट रहें, चाहे वो महंगाई भत्ते, महंगाई राहत यानी DADR, पेंशन, फैमिली पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की खबरें, डिफेंस की खबरें और इसके अलावा पोस्टल, सारे कर्मचारियों की खबरें जो है पूरे वीडियो में एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ताकि आपको दिन भर आप अपना टाइम और जगह यूटिलाइज कर सकें अच्छी जगह पर। और इसके अलावा जो है एक ही वीडियो में आप जो है सारा पूरा जो भी अपडेट आपको पूरे वीडियोज़ में आपको देख पाएँ। हम वही लेकर आएंगे, डेली एक वीडियो हमारा आएगा। आप हमें कमेंट करके टाइम को ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएगा कि इस वीडियो में जो है कौन सी कमी थी, हम उन कमियों को और दूर करेंगे और आपके लिए एक बेहतर और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, जिसे आप उसी वीडियो को देख करके आगे आपको कहीं भी देखने की जरूरत ना पड़े। एक पूरा ऑथेंटिक न्यूज होगी उसमें, सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स लेटर होंगे, ऑफिशियल मेमोरेंडम होंगे, सर्कुलर्स होंगे, जिसे आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सी कमी है, किस तरह की वीडियो आपको देखना और पसंद है। हम उन सारी कमियों को दूर और आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप दिन में एक वीडियो देखेंगे और सारे न्यूज और आप जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो सारे उनसे आप अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी जो है बिना फालतू की न्यूजों से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, यानी आपने, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं सब्सक्राइब और बेल आइकन के रिगार्डिंग, कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा हमारे चैनल को, तो आपको जो सब्सक्राइब का आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आपके डिस्प्ले में एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर वो रेड है तो अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अगर वो ब्लैक है इसका मतलब आपने वो सब्सक्राइब कर रखा है। अगर वो ब्लैक है तो आपको बार बार उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अभी फेमिलियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसको बार बार सब्सक्राइब मत करिए। अगर ब्लैक है तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेल आइकन के रिगार्डिंग एक और मैं चीज़ बता दूं आपको, कि अब से हम जो भी वीडियोस आएंगे हमारे ऑथेंटिक होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आप हमें कमी बताइए और हम उनको दूर करेंगे। तो बेल आइकन के रिगार्डिंग एक चीज़ और बता दूं मैं, कि बेल आइकन अगर आपने प्रेस कर रखा तो उसके साइड में, घंटी के साइड में दो सिंबल आ रहे होंगे, उन्हीं को अगर आपने प्रेस कर रखा होगा तो वो सिंबल दिखाई देंगे और आपके पास जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियोस को आगे देख सकते हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ, पहली खबर की तरफ सीधा लेकर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा जो कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, बेसिकली ऐसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो उस ड्यूरेशन में रिटायरमेंट हुए हैं जिस टाइम पे कोविड है, क्योंकि उस टाइम पे जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो PPOs हैं, या बोल सकते हैं EPPO है, जो उनके जिसके PPO क्या होता है, बेसिकली PPO वो होता है जिसके PPO नंबर वो होता है जिसके आपकी सैलरी, जिसके आपकी पेंशन बनाई जाती है, या पेंशन की जितने भी काम होते हैं वो सारे PPO के बेसिस पर ही होते हैं। तो ऐसे पेंशनर्स बहुत सारे हैं जिनके अभी कर्मचारी जो हैं अभी हाल में रिटायरमेंट हुए हैं, उनका जो है PPO नहीं बन पाया है, तो उसके चलते उनकी पेंशन है और ग्रेचुटी है, और जो बीच में जो 18 महीने के DA और DR फ्रीज हुआ था उसमें किसी भी टाइप की जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि 3 इंस्टॉलमेंट्स को जो है फ्रीज किया गया था, लेकिन फ्रीज होने के बाद में किसी भी टाइप से उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। तो ऐसे पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है, आप अपनी नोटिफिकेशन पे भी देख पा रहे होंगे कि उनको जो है प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेचुटी दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 है उसके रूल 62 के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं बन पाई है तो पेंशन आपको दी जाएगी, और उस लेकिन जो पेंशन होगी प्रोविजनल पेंशन होगी और आपको जो है प्रोविजनल ग्रेचुटी जो भी बनती होगी उसी के जो रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी किया गया था, आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आप ये देख सकते
सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी रीजन के चलते अगर आपके पीपीओ नहीं इश्यू हो पाए तो वो डिले हो गए हैं, तो उसके लिए आपको प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो भी पेंशनर्स है उनके सीजीएचएस कार्ड की जो शुल्क माफी है, जो आपसे सीजीएचएस कार्ड का जो आपका पैसा लिया जाता है उसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, उनका आंसर भी दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की तरफ से। तो आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों से उनकी सेवानिवृत्ति पर सीजीएचएस कार्ड बनाने के लिए एक मुश्त रकम जो है लेती है, यदि हाँ तो कितनी राशि लेती है, और सरकार सेवा में कई वर्षों तक सेवा करने के बाद भी सीजीएचएस कार्ड निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराने के पीछे सरकार के क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सीजीएचएस कार्ड के लिए प्रभारित राशि को माफ करने का विचार करती है, यदि हाँ तो कब तक, उसके पीछे क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो है राज्य मंत्री मिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की तरफ से एक आंसर दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार जो है स्वास्थ्य योजना जो सीजीएचएस होता है एक अंशदायी आधारित योजना है। योजना के तहत स्वास्थ्य परिवार परिचर्या सेवाएं लेने के लिए केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को निर्धारित अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार के पेंशनरों के पास सेवानिवृत्ति के समय अपने वेतन लेवल के अनुसार अंशदान का भुगतान करने का विकल्प होता है। वे वार्षिक रूप से अथवा आजीवन सीजीएचएस कार्ड के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। पेंशनरों के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान दरें निम्नतम है। आप देख सकते हैं अगर आप लेवल 1 से 5 तक आते हैं तो आपको एक साल में 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, वहीं अगर आप लेवल 6 में आते हैं तो आपको एक साल में 5,400 रुपये, वहीं अगर आप लेवल 7 से 11 में आते हैं तो आपको 7,800 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी पर ईयर होगा। साथ ही साथ अगर आप लेवल 12 और उससे अधिक आते हैं तो आपको 12,000 रुपये पर ईयर देना होगा। लेकिन आप रिटायरमेंट होते हैं तो उस टाइम आपको जो एक ऑप्शन दिया था कि आप 10 वर्ष के लिए लेना चाहते हैं या जो है आजीवन लेना चाहते हैं, जो भी होगा उसमें वहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सीजीएचएस कार्ड के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट यहां पर देखने को मिला है। अगली खबर लेके चलते हैं जो कि आ रही है, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट सेशन की तरफ से 21 मार्च 2022 को एक बड़ा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो अपने कंप्यूटर परचेस करते हैं, तो कंप्यूटर परचेस के लिए जो एडवांस में पैसे लेते हैं या एडवांसेस जो भी लेते हैं उसके रिगार्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है 1 अप्रैल 2022 से जो 31 मार्च 2023 तक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार ने इसमें पब्लिश कर दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से जारी की गई थी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने नोटिफिकेशन पर भी देख सकते हैं कि 9.8% है, 9.8% की दर से आपको जो भी एडवांसमेंट है आपको कंप्यूटर परचेज करने में जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31